क्या आपने कभी किसी म्यूचुअल फंड का 60% रिटर्न सुना है? जी हाँ, 60% सिर्फ पिछले एक साल। इस फंड का नाम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 2024 इलेक्शन ईयर है, यानी अगले 4 महीने स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। मार्केट रोज एक नया रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन क्या अब एक बड़ा करेक्शन आने वाला है, जैसे 15 या 20% का? तो क्या इसका मतलब है कि आपके लिए भी कोई बड़ा मौका आने वाला है? तो दोस्तों, इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HDFC के 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू, जिसमें हम जानेंगे कि 2024 में क्या ये 3 म्यूचुअल फंड्स मल्टी बैगर, यानी आपके पैसे कहीं गुना कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई बड़ा करेक्शन आने वाला है तो उसमें SIP करनी चाहिए या लमसम, किसमें ज्यादा फायदा? इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले। दो दोस्त थे, करण और अर्जुन। करण ने कहा कि मैं 5,000 रुपए महीने की SIP करूंगा 10 साल तक। वही अर्जुन ने कहा कि अब मार्केट का करेक्शन आ रहा है तो मैं 5,00,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट कर देता हूँ। दोनों को पिछले 10 साल में 15% का रिटर्न मिला, तो करण को 2023 में 13,93,000 का अमाउंट मिला, यानी 7,93,000 का प्रॉफिट। वही अर्जुन को 2023 में 20,22,000 का अमाउंट मिला, यानी 15,22,000 का प्रॉफिट, यानी उसको 2 गुना प्रॉफिट हुआ। अब आप SIP और लमसम में डिफरेंस समझ गए हो, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि लमसम हमेशा तभी किया जाता है जब मार्केट डाउन हो या करेक्शन आया हुआ हो 15 या 20% का। अब आते हैं अपने HDFC के टॉप 3 फंड्स पे। तो जो हमारा पहला इंटरेस्टिंग फंड है वो है HDFC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, चाहे आप किसी भी सिटी या स्टेट में रहते हो, 2014 के बाद इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आया हुआ, जैसे फ्लाईओवर, रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट, वंदे भारत ट्रेन और भी बहुत कुछ। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भी बहुत फायदा हो रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, हैवी इक्विपमेंट कंपनीज एक्सेट्रा। तो HDFC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन्हीं सब कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये फंड इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टोरल फंड, और इस फंड का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1,074 करोड़। और आप इस फंड में हर महीने 100 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 100 रुपए से लमसम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं असली बात पे, जो है इसके रिटर्न्स। पिछले एक साल में इस फंड ने करीबन 60% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। पिछले 3 साल में इस फंड ने करीबन 40% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में इस फंड ने करीबन 20.5% का रिटर्न दिया। एक इंपॉर्टेंट बात, पिछले रिटर्न्स का मतलब ये नहीं होता कि ये फंड आगे भी ऐसे ही रिटर्न्स देगा, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो एलोकेशन की। आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। ये फंड अपना 89.5% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और बाकी 10.4% अदर्स में। वहीं अगर आप इस फंड का सेक्टर एलोकेशन देखें तो ये फंड 23.5% कैपिटल गुड्स कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, 20.45% कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, 15.98% फाइनेंशियल कंपनी में, 9.3% मटीरियल कंपनीज में, एनर्जी में 5% और अदर्स में 25%। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैप एलोकेशन की। ये फंड अपना 34.1% जायंट कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, 15.7% लार्ज कैप में, 26.98% मिड कैप, 22.83% स्मॉल कैप में। अब बात करते हैं इस फंड के रिस्क रेशियो की, यानी ये फंड अपना रिस्क कैसे मैनेज करता है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.49, वही बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है 15.27, यानी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा नहीं है, इसमें हाई वॉलिटिलिटी बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स के हिसाब। अगर आप इसका बीटा देखें तो वो है 0.76 और बाकी इसी कैटेगरी का है 0.86, यानी इसमें लो वॉलिटिलिटी है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर आप इसका अल्फा देखें तो वो है 6.67 और बाकी इसी कैटेगरी का है 3.09, यानी इसका अल्फा भी बहुत अच्छा। अब आते हैं अपने सेकंड अमेजिंग फंड पे, जो है HDFC का फोकस 30 फंड। फोकस 30 प्लान्स वो होते हैं जो सिर्फ मैक्सिमम 30 कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी उनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ 30 कंपनी में ही होता है, इससे ज्यादा में वो इन्वेस्ट नहीं करते। अब चलते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन। आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड का एसेट एलोकेशन देख सकते हो। ये फंड अपना 83.14% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और 16.8% अदर्स में। अगर इसके सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ये 30% फाइनेंशियल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, यानी बैंकिंग कंपनीज हो गई या कोई और फाइनेंस कंपनीज हो गई, 12.70% हेल्थ केयर में, 8.43% एनर्जी में, 8.1% ऑटोमोबाइल में, 7.6% टेक्नोलॉजी में और 32.94% अदर्स में। अब आते हैं इसके मार्केट कैप एलोकेशन। ये फंड अपना 53% जॉइंट कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप में 21%,
मिड कैप में 21% और स्मॉल कैप में 3.98%, यानी अपना मेजर हिस्सा लार्ज कैप में और जॉइंट कैप में इन्वेस्ट करता। अब आते हैं इस फंड के रिटर्न्स पे। पिछले एक साल में इस फंड ने करीबन 33% का रिटर्न दिया है, विच इज गुड। पिछले तीन साल में इस फंड ने करीबन 31% का रिटर्न दिया। पिछले पांच साल में इस फंड ने करीबन 20% का रिटर्न दिया। अब चलते हैं इस फंड के रिस्क रेशियो। अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो वह 13.88 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है 14.26, यानी इसका पॉजिटिव है स्टैंडर्ड डेविएशन। वहीं अगर आप इसका बीटा देखें तो वो है 0.9 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का 0.93, यानी इसका बीटा भी पॉजिटिव। वहीं अगर आप इसका अल्फा देखें तो वह 9.2 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है -1.3, यानी इसका अल्फा अमेजिंग से भी ऊपर है। तो अगर आप इसकी टोटल रिस्क प्रोफाइल देखेंगे तो वो पूरी की पूरी प्रोफाइल पॉजिटिव। अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी म्यूचुअल फंड, जो है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। फ्लेक्सी कैप फंड्स वो होते हैं जो हर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप। उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं होती कि मैक्सिमम सिर्फ लार्ज कैप में करना है या मिड कैप में करना है या लार्ज कैप में। जहां भी फंड मैनेजर को प्रॉफिट नजर आता है वो उतना हिस्सा फंड का उस सेक्टर में डाल देते। अब चलते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन पे। अगर आप इस फंड का एसेट एलोकेशन देखेंगे तो वो 88.5% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और 11.43% अदर्स में, यानी आप इसको प्योर इक्विटी फंड भी कह सकते हैं। वहीं अगर इसका सेक्टर एलोकेशन देखें तो ये फंड करीबन 31% हिस्सा फाइनेंस में इन्वेस्ट करता है, यानी बैंकिंग या अदर्स फाइनेंस कंपनीज में, 11.6% हेल्थ केयर में, 11.1% एनर्जी में, 9.97% टेक्नोलॉजी में और 7.28% कैपिटल गुड्स में, 28% अदर्स। अब चलते हैं इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन। ये फंड अपना 53% जॉइंट कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, 21% लार्ज कैप में, 21% मिड कैप में और 3.98% सिर्फ स्मॉल कैप। अब बात करते हैं इस फंड के रिटर्न्स की। पिछले एक साल में इस फंड ने करीबन 33% का रिटर्न दिया है, विच इज एक्सीलेंट। पिछले तीन साल में इस फंड ने करीबन 28% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले पांच साल में इस फंड ने करीबन 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया। अब चलते हैं इस फंड के रिस्क रेशियो। अगर इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो है 14.82 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है 14.24। ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको नेगेटिव में ही लेंगे। अगर बीटा यानी वॉलिटिलिटी की बात करें तो वो है 0.96 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड का है 0.94। वहीं अगर आप इसका अल्फा देखेंगे तो वो है 7.6 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है 0.18, यानी इसका भी अल्फा जबरदस्त है। ये था एक डिटेल रिव्यू HDFC के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लमसम करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, लेकिन SIP करने का कोई टाइम नहीं होता। आप SIP कभी भी, चाहे मार्केट अप हो या डाउन, कभी भी आप SIP कर सकते हैं, लेकिन लमसम करने के लिए मार्केट का डाउन होना जरूरी है। अब मिलेंगे ऐसे ही अगली इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, विच इज मनी राइट।